मैं तुम्हारी बीवी हूँ रणविजय, फिर भी तुम मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने देते? तुमने तो अपनी मर्जी से मुझसे शादी की थी ना। रणविजय और टीना की शादी एक हफ्ते पहले ही हुई थी। टीना ने रूम को कैंडल्स और रोजेस से सजाया हुआ था। टीना ने सोचा था कि आज की रात वो स्पेशल बनाएगी, और इसीलिए रणविजय के करीब आने की कोशिश करती है। पर रणविजय आज भी टीना के पास ना आने का बहाना बना देता है। टीना, मैं थक गया। टीना और रणविजय एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। टीना तो रणविजय से बचपन से ही प्यार करती आई थी। शादी को एक हफ्ता तो हो गया था, लेकिन दोनों ने आज तक सुहागरात नहीं मनाई। रणविजय टीना से बिना कुछ बोले चुपचाप आकर बेड की एक तरफ लेट जाता है। टीना थोड़ी मायूस हो जाती है और भारी मन से रणविजय के बगल में आकर लेट जाती है। कुछ ही देर बाद रणविजय नींद में टीना की तरफ करवट लेता है और उसके करीब आता है। Listen, I love you. रणविजय की ये बात सुनकर टीना थोड़ा शर्मा जाती है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है और उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। I love you too, रणविजय। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मुझसे वादा करो, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, और आज के बाद मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाओगी, रूही। रणविजय के मुंह से रूही का नाम सुनते ही टीना शॉक हो जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। रणविजय ने रूही का नाम क्यों लिया? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि रूही तो आखिर कौन है ये रूही? जिसका नाम सुनते ही टीना के होश उड़ गए। और रूही का टीना और रणविजय से क्या रिश्ता है? क्यों टीना से शादी करने के बावजूद रणविजय ने नींद में रूही का नाम लिया? क्या है इनकी शादी का सीक्रेट? यहाँ पर बस इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।